नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर चुला बिजनौर से है, जहां से हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की खास रिपोर्ट। संभल में हुई हिंसा के बाद अब बिजनौर जिले का पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। पुलिस अफसर हर गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। संवेदनशील और मिक्स आबादी वाले इलाकों में पुलिस की गश्त की जा रही है। इसके साथ ही पुलिस अब संदिग्धों पर भी नजर रख रही है और आबादी क्षेत्र की छतों पर निगरानी के लिए ड्रोन से भी निगरानी कर रही है। दरअसल संभल जिले में मस्जिद के सर्वे के दौरान अचानक बवाल हो गया। बवाल होने के बाद यूपी में अलर्ट घोषित कर दिया गया। बिजनौर में भी पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी। एक तरफ जहां पुलिस के अफसर भारी पुलिस बल के साथ पैदल गश्त कर रहे हैं, तो वहीं पुलिस असामाजिक तत्वों पर भी निगाह रखे हुए है। इसके साथ ही बिजनौर शहर के कई चौराहों पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। बिजनौर शहर कोतवाल उदय प्रताप सिंह पुलिस टीम के साथ शहरी क्षेत्र में पहुंचे और आबादी क्षेत्र में मकानों की छतों की निगरानी के लिए शहर भर में ड्रोन उड़ाकर मकानों की छत से गहनता से निगरानी कराई। एसपी अभिषेक झा ने बताया। देखिए, सिटी और रूरल एरियाज में जो है सभी लोगों को आज निर्देशित किया गया था कि जो भी मिक्स पॉपुलेशन एरियाज है उसमें कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से फुट पेट्रोलिंग करेंगे और ड्रोन से मॉनिटरिंग करेंगे ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न हो। क्या ये संभल की घटना को लेकर अलर्ट पे है जिला का? क्या देखिए, इन जनरल सभी को इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि इवन रूटीन में जो है फुट पेट्रोलिंग होनी चाहिए ताकि लोगों से संवाद बना रहे और ड्रोन्स जो है नेचुरली टेक्निकल टूल है तो उससे मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि किसी प्रकार का जो है कोई भी यदि इश्यू उत्पन्न होता है तो हम उसको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, ड्रोन से जैसे निगरानी की जा रही छतों पर कहीं कुछ संदिग्ध चीजें या टेप पत्थर कहीं दिखाई दिए या अभी कुछ इस तरह की? अभी देखिए जांच की जा रही है इसमें, अब वो हम निगरानी कर रहे हैं, यदि ऐसी कोई बात आती है तो उसमें फिर विल टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।